जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता हो रही है और हम ढूंढ रहे हैं ऊर्जा के वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गैर परंपरागत स्रोत है सूर्य। सूर्य लगभग 5 अरब वर्ष से लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा विसरित कर रहा है और इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 अरब वर्ष तक ऊर्जा विसरित करता रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल थोड़ा सा भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत पर पहुंच पाता है और उसका भी लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है और शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचता है। हमारा देश प्रतिवर्ष 50 लाख अरब किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी माना गया है। अनुमानतः इसका सन्निकट मान 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर या 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। आइए सौर ऊर्जा के प्रभाव को समझते हैं। दो शंक्वाकार फ्लास्क यानी कोनिकल फ्लास्क लें। एक शंक्वाकार फ्लास्क को काला और दूसरे को सफेद पेंट कर दें और इन्हें 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रखें। इन दोनों शंक्वाकार फ्लास्क को स्पर्श करें। काला वाला फ्लास्क अधिक गर्म है। अब इन दोनों शंक्वाकार फ्लास्क में पानी लें और फिर उसे 1 से 1.5 घंटे तक धूप में रख दें। अब दोनों फ्लास्क में तापमान नोट करें। काले फ्लास्क में जल का तापमान अधिक है। क्यों? क्योंकि काला रंग सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर कुकरों और सौर जल तापक में किया जाता है। इनके परावर्तक पृष्ठ काले रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि काला रंग अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है जो अवरक्त प्रकाश किरणों को वापस बाहर नहीं जाने देता और इस प्रकार सौर कुकर का कार्य करता है। लेकिन सौर ऊर्जा की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे सोलर ऊर्जा पर काम करने वाली युक्तियां निश्चित समयों पर ही उपयोगी होती हैं। कब? जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। सौर सेलों का उपयोग करके सौर ऊर्जा को संचित कर सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रयोग किया जा सकता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी सौर सेल से 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है। लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। सोलर सेलों के बनाने के लिए विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है जिसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण उत्पादन की समस्त प्रक्रिया महंगी पड़ती है। लेकिन सोलर सेल के कई लाभ भी हैं। इसमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता। इसका रखरखाव सस्ता है। इन्हें सुदूर और अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है जहां मोटी हैवी ड्यूटी बिजली की तार बिछाना अत्यंत खर्चीला हो। सौर सेलों का उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों में अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे कि मार्स ऑर्बिटरों में
रेडियो में, बेतार संचार तंत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, टीवी रिले केंद्रों में, ट्रैफिक सिग्नलों में, परिकल्पों में, बहुत से खिलौनों में, जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है तो ये व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। ये विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई आनत छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। सोलर पैनल बनाने में सिल्वर यानी चांदी का प्रयोग किया जाता है जिससे सोलर पैनल की लागत में वृद्धि हो जाती है, फिर भी सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक स्वच्छ और उपयोगी स्रोत है। ऊर्जा का एक अन्य महत्वपूर्ण गैर परंपरागत स्रोत है जल, और जल का सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र। आइए अब जानते हैं कि समुद्र से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के तीन मुख्य रूप हैं: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। सबसे पहले हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध बनाए जाते हैं और बांध पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। आइए अब हम तरंग ऊर्जा की चर्चा करें। महासागरों की सतह पर आर पार बहने वाली पवन तरंगे उत्पन्न करती हैं। समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा तरंग ऊर्जा का कार्य करती है। तरंग ऊर्जा को ट्रैप कर लिया जाता है और फिर टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब हम महासागरीय तापीय ऊर्जा की बात करते हैं। समुद्रों या महासागरों की सतह का जल सूर्य की विकिरणों द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप के इस अंतर का उपयोग तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट या OTEC विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि महासागर की सतह पर जल का ताप तथा समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो तो सतह के गर्म जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव्यों को उबालने में किया जाता है और इस प्रकार बनी द्रवों की भाप यानी वाष्प टरबाइन को घुमाती है। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रवों में संघनित कर लिया जाता है और इस प्रकार OTEC विद्युत ऊर्जा संयंत्र से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा का एक अन्य परंपरागत स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर परिवर्तनों के कारण भूपरपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है।
इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी ये भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है, जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली ये भाप विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत पैदा होती है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। अब हम ऊर्जा के एक अन्य रूप की चर्चा करते हैं, ये है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम के नाभिक की निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करवाई जाती है और भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा की उत्पत्ति मूल नाभिक और उत्पादित नाभिक के द्रव्यमानों में अंतर के कारण होती है। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो कोयले के किसी एक कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जो सर्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन उत्पन्न करते हैं, जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। इस मुक्त ऊर्जा का मान E=mc² समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जहां m है मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमानों में अंतर और c है प्रकाश की निर्वात में चाल। यहां ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.602 × 10^-19 जूल। अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान में एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक 931 MeV यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारे देश में तारापुर, सागर, कलापक्कम, नरोरा में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र के उपयोग की भी कुछ सीमाएं हैं। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट है कि उपयोग के बाद शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण और निपटारा कैसे किया जाए, क्योंकि शेष बचा ईंधन यूरेनियम अभी भी हानिकारक विकिरण उत्पन्न करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इन संयंत्रों से आकस्मिक रिसाव का खतरा भी रहता है। इन संयंत्रों के प्रतिष्ठापन में अत्यधिक लागत लगती है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक के संयोग से भारी नाभिक बनता है। जैसे कि सूर्य में हाइड्रोजन के समस्थानिकों के संयोग से हीलियम उत्पन्न होती है और ऊर्जा निकलती है, लेकिन इस अभिक्रिया को करने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। अच्छा वैभव, अब तुम बताओ कि महासागरीय तापीय ऊर्जा, पवन तथा जैव मात्रा की ऊर्जाओं का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। क्या भूतापीय ऊर्जा
तथा नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। भूतापीय ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं है, लेकिन जल विद्युत ऊर्जा तथा तरंग विद्युत ऊर्जा का स्रोत सूर्य है।